नमस्कार दोस्तों, अपने ही YouTube चैनल RRC रीजनिंग क्लासेस में आप तमाम का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं RK सर। आज मैं एक बेहतरीन लेसन शुरू करने से पहले मैं आप तमाम को कह देना चाहता हूं कि दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा यदि लगे तो आप एक दूसरे तक अवश्य शेयर करें और शेयर करके सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सके। और मैं आपको कह देना चाहता हूं कि आपने कम समय पर मुझ पर जो भरोसा किया और उस बुलंदी के साथ जो मुझे आवाज देने का काम किया, मैं कह देना चाहता हूं कि आपको जिंदगी में मायूसी निकाल कर हम छोड़ेंगे। हर लेसन में मैं इस कदर से पेश करने जा रहा हूं कि ताकि आपको जिंदगी में कोई भी कामयाबी आपसे दूर नहीं हो सकता। इसलिए छूले आसमां जमी की तलाश न कर, ले ले नौकरी इस बार अगले बार की इंतजार न कर। अरे गम के परछाई से दूर हटकर तेरा तकदीर बदल जाएगा। यदि ताकत से नौकरी ले लिया, तेरा क्या परिवार और समाज का दशा भी बदल जाएगा। और मैं कह देना चाहता हूं, यदि आप नए व्यूअर हैं तो मेरे वीडियो को निश्चित रूप से शुरू से अंत तक देखें। कह देना चाहता हूं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हवाओं में ताश के महल नहीं बनते, रोने से मुकद्दर नहीं संवरते। यदि दुनिया को जीतना है तो एक जीत से कोई महासिकंदर नहीं बनते। इसलिए आप यदि बेहतर से बेहतर कामयाबी की ओर जाना चाहता हूं, कोई मैं अपनी बड़प्पन नहीं कर रहा हूं, केवल मैं उस वृक्ष से निकला हुआ एक पौधा हूं कि जो पौधा एक बहुत ही छायाधार बनेगा और एक यूट्यूब के एक शख्स के रूप में कुछ दिनों में आपके सामने दस्तक देगा तो देगा। आइए हम चलते हैं कैलेंडर लेसन की ओर। देखिए, आज कैलेंडर में मैं आज कल परसों पे मैं ट्रिकल देने जा रहा हूं और इतना बेहतरीन तरीके से देने जा रहा हूं कि आप विदाउट पेन पेपर उठाए आप किसी भी सवाल को सेकेंडों में दाग सकते हैं। आइए पहले मैं समझाने का कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर एक, बीते परसों के दो दिन पहले रविवार था तो आने वाले परसों के चार दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए, पेन पेपर नहीं चलाने की जरूरत है। हम जब भी करेंगे तो हम पहले आज लेंगे, आज के ठीक बीता हुआ दिन एक दिन, और परसों जब भी बीता परसों कहा गया तो दो दिन, आने वाला कल तो एक दिन, आने वाला परसों तो दो दिन। यानी कल का मतलब एक दिन, परसों का मतलब आज से दो दिन। आइए, बीते परसों के दो दिन बाद, बीते परसों का मतलब होता है दो दिन के दो दिन पहले, तो दो दिन पहले ये भी दो दिन, तो आज से कितना हो जाता है चार दिन। आज से कितना हो जाता है चार दिन। यानी बीते परसों का मतलब दो दिन के दो दिन पहले, तो दो दिन, तो आज से कितना दिन हो जाता है चार दिन। यानी आज से चार दिन पहले क्या है, रविवार है, तो आने वाले परसों, तो परसों का मतलब क्या होता है दो दिन, परसों का मतलब क्या होता है दो दिन, और के चार दिन बाद प्लस चार, तो कितना हो जाता है चार दो छ दिन, आज के बाद छ दिन, तो छ चार दस, और दस में हम सात से भागाते हैं तो शेष। जब बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो प्लस, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो प्लस, यानी दाएं की ओर जाते हैं तो आने वाले, और बाएं की ओर चलते हैं तो बीते हुए। तो आइए, चार दो छ, चार दस, दस में सात से भाग दिया तो तीन, बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो प्लस तीन, इसमें प्लस तीन कर दिए जाए तो रविवार के तीन दिन बाद क्या होता है सोम मंगल और बुधवार, कौन सा दिन होगा बुधवार होगा। बिल्कुल ही आप समझ गए होंगे, एकदम
क्वेश्चन पर ही आप आंसर ठोक डाले, यानी परसों, परसों का मतलब दो दिन, इस परसों से दो दिन पहले, तो दो दो चार दिन, आज से चार दिन पहले कौन सा दिन था, रविवार था, तो आने वाले परसों, आने वाला परसों का मतलब होता है दो दिन के चार दिन बाद, चार दिन बाद तो प्लस चार, तो टोटल को जोड़ दे, दो दो चार, दो छ चार दस, दस में सात से भागा दिया तो शेष कितना बच रहा है तीन, शेष कितना बच रहा है हमें, रिमाइंडर बच रहा है तीन, यानी रविवार के तीन दिन बाद, रविवार के तीन दिन बाद सोम मंगल और बुधवार, कौन सा आंसर हो जा रहा है, बुधवार। बिल्कुल ही गजब तरीके से आप समझे होंगे, हर सवाल को आप धूड़ाधार कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया जा रहा है, बिल्कुल ब्रेन में ठोक डालेंगे तो ठोक डालेंगे, इसलिए आपसे कहना है बढ़ा दूं, बहुत दिन से मैं आपको देख रहा हूं, आप एक शख्स को पहचान नहीं पाए हैं, यूट्यूबर के एक दिन शूटर तो शूटर, मोटिवेटर तो मोटिवेटर, एक्टिवेटर तो एक्टिवेटर, खुशी से खुशी की तरफ पलट करना देखा, लक्ष्य के सिवा दुनिया में और कुछ नहीं देखा, सब कुछ लगा दो, पर ऐसा संघर्ष कहा मिटा सके हर रीजनिंग को चकनाचूर, ऐसा हार के दूसरा पैदा कहा, इसलिए आपसे बंधु कहते हैं ताकत है तो शुरू से अंत तक देखो, सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक गरीब के बच्चा हूँ, गरीबी के बारे में जानता हूँ, घायल ही जानता है घायल के बारे में, इसलिए आज मैं बेहतर तरीके से आपके सामने एक ताकतवर और शेर के भांति, मैं जंगल का किंग हूँ, किंग हूँ, और शेर के नजरों में केवल शिकार के खून ही दिखाई पड़ते हैं, केवल मुझे आपकी कामयाबी ही मेरी कामयाबी दिखाई पड़ती है। जिस दिन तेरे में लक्ष्य प्राप्ति करने का नशा छा गया, तेरी शुरुआत जैसी भी हो आखिरी तेरे तीर के नोक पर होकर ही रहेगा, तो रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा पदार्थ डाल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दो, बीते काल के, बीते काल सोमवार था, तो आने वाले कल के परसों कौन सा दिन होगा, क्योंकि मैंने वादा किया है कि फैन नहीं चलाएंगे, तो फैन हम अब चलाएंगे नहीं, बिल्कुल आपको हम म्याज गर्म करके डाल रहे हैं कि इस बार उठेगा तो उठेगा। अब देखो बीते कल, बीते कल का मतलब होता है एक दिन, फिर बीते कल के बीते कल एक दिन, उसी पर काउंट करेंगे, तो एक दिन एक दिन, और फिर आने वाले कल एक दिन, आने वाला कल का मतलब होता है एक दिन, आने वाले कल के परसों, तो परसों का मतलब होता है दो दिन, सबको जोड़ा जाए, एक एक दो एक तीन दो पांच, पांच में हम सात से भाग दे ही नहीं सकते हैं, पांच में हम सात से भाग दे ही नहीं सकते हैं, रविवार के पांच दिन बाद, रविवार के पांच दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो प्लस पांच कहिए या माइनस दो कहिए, यानी पांच दिन प्लस, पांच दिन प्लस का मतलब होता है पांच दिन आने वाले, दो दिन माइनस का होता है दो दिन बीते हुए, तो दो दिन बीता हुआ दिन या पांच दिन आने वाला दिन सेम होता है, तो यानी रविवार से दो दिन बीता हुआ क्या था, शनि और शुक्रवार हो जाएगा, बिल्कुल आपको फैन नहीं चलने की कहीं जरूरत नहीं है। फिर एक सवाल को मैं पेश करूंगा, इसके बाद मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर तीन,
चलते हैं फिर तीसरा सवाल की ओर। आपका बेहतरीन नजारा आप देखने को आज मिल रहा है, फिर देखते हैं आज के चार दिन बाद रविवार है, तो बीते कल के दो दिन पहले कौन सा दिन, ध्यान दें, आज के चार दिन बाद वाला है तो प्लस चार, तो बीते कल के दो दिन, तो बीते कल का मतलब होता है एक के दो दिन पहले मतलब होता है दो, सबको जोड़े हैं तो चार एक पांच है दो सात, सात में सात से भागाते हैं तो शेष कितना होता है जीरो, यानी कहने का मतलब कौन दिन होगा, रविवार ही होगा। फिर ध्यान दे, आज के चार दिन बाद प्लस चार रविवार है, तो बीते कल का मतलब होता है एक दिन के दो दिन पहले तो प्लस दो, कौन सा दिन होगा तो चार एक पांच दो सात, सात में सात से भाग देंगे तो शेष क्या हो जाएगा जीरो, तो रविवार है तो दिन क्या हो जाएगा, रविवार ही होगा। बंधु दोस्तों, बेहतर तरीके से मैंने इन सवालों पर प्रहार किया और आप बेहतर तरीके से कोई भी सवाल क्यों न हो आप उनको गर्दा उड़ा सकते हैं आजकल और परसों। यदि वीडियो यदि अच्छा लगे, अच्छा क्यों न लगे, लगेगा ही लगेगा, और आप बेहतर तरीके से समझ लेंगे। यदि थोड़ी सी भी कमी दिखाई पड़े तो आप कमेंट्स करके हमें तक पहुंचाएं, और इन वीडियो के साथ आर के सर को दें इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इन्हीं चंद शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत।